जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। गलत किया आपने। प्लीज एक बार अपनी मम्मा से बात कर। मेरी मम्मा से बात करने का हक हाथ मत लगा मुझे। प्लीज तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन। बात करो, कुछ नहीं बता सकता। दूर हो जाओ मेरी नजर से, निकल जाओ यहाँ से। मेरा मंडी मेरी बात तो सुनो। क्या कर रहे हाय, दिस इज हिमांशी पराशर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। हमारे ससुर जी का राज खुल गया है कि उनकी एक बेटी है सिमरन, तो सबको पता चला है, सब बहुत शौक में है। और शुरुआत यहाँ से हुई कि सीरत दीदी एलिगेशन लगा रहे थे कि साहिबा को सब पता है एंड ऑल, तो अब घूम फिर के बाद साहिबा पर आ गई है कि इनको पता था, इसने फिर भी नहीं बताया। बट इंद्रपाल सर ने अपना पक्ष रखा है एंड एवरीबॉडी इज़ इन शॉक। अच्छा नहीं लग रहा है किसी को भी, ऑब्वियसली नहीं लगेगा। एंड अंगद बहुत गुस्से में है, मनवीर जी बहुत गुस्से में है, तो अभी देखते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे डील करेगी ब्राड फैमिली। पैनकेक्स तो इसके पहले का सीन है इस सब ड्रामा से, तो बच्ची के लिए सीरत बड़े प्यार से पैनकेक्स बना रही थी, पर आई थिंक वहाँ पे कुछ बच्ची ने अपना हरकतें मचाई हैं, तो उसके पीछे पीछे भागती सिमरन आई है, जो भागती सीरत भी आई है। एंड वो शायद मुझे इंद्रपाल को देख लेगी शायद बात करते हुए, ऐसा है। अब देखते हैं वो सुनती है हमारी बातें या नहीं। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि नाम में ही डोले के नाम में आगे जाके क्या कुछ आगे जाके, तो आगे जाके देखना ही पड़ेगा। बट हाँ, ऑब्वियसली डोरिया हैं तो उलझेंगी भी सुलझेंगी भी, तो वही हो रहा है, कभी सुलझती हैं फिर सुलझते सुलझते फिर उलझ जाती हैं, फिर उनको सुलझाया जाता है, तो यही होता है। अभी आप जितना आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उतनी जल्दी सुलझ जाएंगी आपकी डोरिया। बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और आजकल तो कुछ ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो देखने में अच्छा भी लगता है। और जब आप कुछ करते हो और लोगों को पसंद आता है, तो आपका मन करता है कि आप उसे और अच्छे से करो और खिलखिला कर करो और खिले वो चीज़, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपको पसंद आ रहा है, और कीप लविंग।